ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया। मन सुने तो कितने आश्चर्यचकित होंगे कि क्या कोई ऐसे भी मनुष्य हैं, क्या कोई ऐसे भी महामानव हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आता हो। और जब भगवान टीचर बनकर आएगा तो सोच ले वो क्या पढ़ाएगा। वो सब कुछ नहीं पढ़ाएगा जो संसार में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाएगा जिसकी मनुष्य को जरूरत है, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, माया का ज्ञान, पाप और पुण्य का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान। यही ज्ञान आकर उसने हम सबको दिया है। और जैसे हम जानते हैं, ज्ञान से विवेक का निर्माण होता है, ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि की स्थिति ज्ञान से बनती है। ऐसे ही कह सकते हैं कि ज्ञान ही बुद्धि का निर्माण करता है। हम सभी को दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई है। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? जिस बुद्धि में प्योरिटी हो, जिस बुद्धि में बहुत खुशी, शांति और ईश्वरीय नशा हो, जिस बुद्धि में निरंतर ईश्वरीय ज्ञान ही समाया रहता हो, जिस बुद्धि ने स्वयं की पूरी तरह सफाई कर दी हो, जिस बुद्धि में कोई भी गंदगी, किसी के प्रति परचिंतन, वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बदले की भावना, ये सब न रहा हो, तो हमें अपनी बुद्धि को ऐसा ही दिव्य बनाना है जिसमें ज्ञान के सिवाय कुछ भी न रहे, जिसमें सद्विवेक और दिव्य विवेक के अलावा अन्य किसी चीज को स्थान ही न हो। जब हमारी बुद्धि ऐसी बन जाती है, तब उस बुद्धि में निवास करते हैं स्वयं दिव्य बुद्धि के दाता, स्वयं परमपिता, अर्थात हमारा योग सरल हो जाता है। जिन लोगों का योग नहीं लग रहा है, उन्हें समय लेना चाहिए। उन्होंने अपनी बुद्धि को डिवाइन नहीं किया है। उनकी बुद्धि में वही पुराना ज्ञान है, वही पुरानी मान्यताएं हैं। उनको हटाकर सद्विवेक और दिव्य विवेक अपनी बुद्धि में नहीं भरा है। जिन लोगों का योग नहीं लग रहा है, अर्थात जिनकी बुद्धि स्थिर और एकाग्र नहीं होती है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी बुद्धि में गंदगी भरी है। बुद्धि ऐसी स्वच्छ चीज है कि गंदगी आते ही वो विचलित हो जाती है, उसकी शांति और खुशी नष्ट हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को हम वैसा भोजन खिला दें जो उसकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत हो, तो उसकी मनोस्थिति कैसी होगी? ऐसे ही बुद्धि का भोजन तो सात्विकता है, प्योरिटी है, प्रेम है, सद्भावनाएं हैं, ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन है। उसके अलावा यदि हम अपनी बुद्धि में और कुछ भरते हैं तो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। इसलिए जिसे ना हो, उसे अपनी बुद्धि को अब डिवाइन करना ही चाहिए। और याद रखेंगे, संगम युग पर जिसने अपनी जैसी बुद्धि का निर्माण कर दिया, वही जन्म जन्म उसके साथ चलेगी। जो व्यक्ति यहाँ बुद्धिमान हो गया, वो जन्म जन्म बुद्धिमान रहेगा। और याद कर ले, बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एक शिव बाबा पर एकाग्र कर सके। बुद्धिमान वही है जो संगम युग पर वो प्राप्त कर ले जो केवल अब ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धिमान वही है जो अपना सर्वस्व बलिहार कर दे अपने परम पिता पर। बुद्धिमान वही है जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी बन जाए, जो स्वर्ग का राज भाग्य प्राप्त कर ले। बाकी तो सभी अलग अलग बुद्धि से संपन्न है। तो आइए आज हम सभी अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखते हुए बुद्धि के दाता, दिव्य बुद्धि के दाता से योग युक्त रहेंगे, इस संकल्प के साथ कि वो दिव्य बुद्धि का दाता है। परमधाम में उसके स्वरूप को निहारेंगे, बहुत डिवाइन।
जिसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, उसको मोस्ट ब्यूटीफुल एक एंटिटी के रूप में देखेंगे, जिसको हम देखते ही रहें, जिसको देखने में परम आनंद है। बस आज सारा दिन उसको देखने का आनंद लेंगे। ओम शांति।